ऑक्सीफ्लोमीटर की कालाबाजारी करते बीजेपी नेता गिरफ्तार, जहां पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। 10 मई की रात को पुलिस को शिकायत मिली थी कि ऊंचे दामों पर ऑक्सीफ्लोमीटर बेचने वाले एक मेडिकल एजेंसी के मालिक को रंगे हाथों गिरफ्तार पुलिस द्वारा किया गया। कोरोना काल में उपयोग होने वाले चिकित्सा उपकरणों की कालाबाजारी के मामले में यहां की पुलिस को एक और सफलता मिली है। रतलाम माणक चौक पुलिस ने दवा व्यवसायी भाजपा नेता राजेश महेश्वरी को 2,250 रुपए का ऑक्सीफ्लोमीटर 4,000 रुपए में बेचते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दुकान सील कर दी है और मामले में धोखाधड़ी सहित आपदा प्रबंधन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आज शाम को मैं मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि महेश्वरी मेडिकल एजेंसी के संचालक राजेश महेश्वरी अपनी जो उनका मेडिकल एजेंसी उस पर वो आवश्यक वस्तु के अंतर्गत आने वाली ऑक्सीजन फ्लोमीटर की कालाबाजारी कर रहे हैं, जिसकी बाज़ार कीमत 600-700 रुपये होती है, उसको वो 4,000 रुपये में विक्रय कर रहे हैं। उक्त सूचना पर हमारे द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिसमें हमने एक पंडरवारी कार्रवाई होती है वो की गई। नोटों पर हमने निशान लगा के उनको भेजा गया। जब वो 4,000 में सौदा तय हुआ, सौदा तय से पहले भी उन्होंने काफ़ी नकारी करी थी कि हम नहीं बेचेंगे, उपलब्ध नहीं है, बहुत ज़्यादा कीमत चाहिए, बाहर मार्केट में बाहर हेवी मीट की बताइए मिल रहा है, उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट करके बात करी तो 4,000 में उन्होंने सौदा तय किया। सौदा तय हुआ, सौदा जब बेचते वक्त रंगे हाथों हमने उनको रेड करके पकड़ा, जिसमें उनके पास से हमने ये ऑक्सीजन की जो फ्लो मीटर है वो पकड़ा है, साथ में जो हमारे पंडर द्वारा उनको पैसा दिया गया था 4,000 रुपये, जिसका हमने निशान लगा रखे थे, वो पैसा भी उनसे बरामद किया गया है। जब हमने पूछताछ करी तो उसमें उन्होंने कुछ भी मतलब जो कीमत का टैग था वो मिटा रखा था। बाद में पूछताछ करने पे उन्होंने बताया कि वो एक बता रहे थे, बाद में उन्होंने 6 और उनकी दुकान से जब्त हुए। इस प्रकार जब उनको चेक किया तो उन्होंने मैक्सिमम रिटेल प्राइस 2,250 रुपये लिखी हुई थी। स्पष्ट हो रहा है कि यदि उस मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर ही माना जाए तो भी उससे अधिक कीमत में ये सामान बेच रहे थे, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 420, 188 और 51 भी आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज पाए, जैसे उनको मामला पंजीबद्ध किया गया, गिरफ्तार किया गया है। तो ये जो राजेश महेश्वरी है, काफ़ी बड़ी एजेंसी है, बताया जाता है कि ये बीजेपी के जो हैं उस इनसे संबंध भी हैं उनके सक्रिय, नहीं इस संबंध में भी जानकारी नहीं है, हम जो भी इनने जो कालाबाजारी की उस संबंध में विवेचना कर रहे हैं। सर और भी पूछताछ में कुछ और दूसरे तरह की बात सामने आएगी कि कब से कर रहे हैं, पहले कितने बेचे हैं? नहीं अभी ये इस संबंध में अपनी पूछताछ अभी प्राइवेट में पूछताछ की, उसमें उन्होंने बताया कि अभी बुलवाया ही था बेचने के लिए, और इस प्रकार से वो कालाबाजारी जो कर रहे थे अधिक कीमत में बेच रहे थे, 700 रुपये की चीज 4,000 बेच रहे थे। अभी फर्स्ट में तो ये बरामद हुआ, अभी मामला विवेचना में और जो भी कुछ तथ्य हो गए अभी उनकी दुकान हमने सील करी है, जरूरत पड़ेगी तो हम वापस तलाशी करके और आगे विवेचना की जाएगी। दूसरी भी दवाइयाँ हैं, प्रतिबंधित जो दवाइयाँ हैं जो चल रही हैं उनको लेकर के भी आप कुछ? हम लोगों ने इस संबंध में एस पी साहब की तरफ से एक टीम गठन किया गया है, जिसमें सभी आम जनता से हमने अपील की है। आज हमने सभी पर्चे भी लगवाए उसके सभी मेडिकल एजेंसीज पे, मेडिकल्स पे और डॉक्टर के क्लिनिक के आसपास और हॉस्पिटल्स पे, यदि इस प्रकार की कोई भी आवश्यक वस्तु जो चिकित्सीय उपकरण से संबंधित है उसमें यदि कोई व्यक्ति इसकी कालाबाजारी करे या फिर अधिक कीमत से विक्रय करे तो इस सूचना तत्काल पुलिस को, हम उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। उसी संबंध में जो हमने कल पर्चे चिपकाए थे उसी का परिणाम है कि आज हमें सूचना प्राप्त हुई और कार्रवाई की गई है। क्या न्यूज़ के लिए रतलाम से सुल्तान किरमानी की रिपोर्ट।